हाय व्यूअर्स, इस वीडियो में हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की लैब करेंगे। हमारे पास दो राउटर्स हैं, राउटर R1 और राउटर R2। इन दोनों राउटर्स पे हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये दोनों राउटर्स राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के मैसेजेस को एक्सचेंज करेंगे और उन मैसेजेस को हम इन दोनों राउटर्स के दरमियान ये जो लिंक है, इस लिंक पे हम कैप्चर करेंगे। दोनों राउटर्स के दरमियान जो हमने लिंक यूज किया है, इस लिंक पे हमने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है 10.1.1.0/30। ये क्लास ए का नेटवर्क है और इसे हमने /30 के साथ यूज किया है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इसमें अनेबल होता है और RIP वर्जन 2 क्लास लेस प्रोटोकॉल है, लेकिन ऑटो समरी की बदौलत ये एज अ क्लास फुल एक्ट करता है। ये क्लास लेस है, RIP वर्जन 2 क्लास लेस प्रोटोकॉल है, लेकिन ऑटो समरी चूंकि बाय डिफॉल्ट अनेबल होती है, दैट्स वाई ये एक्ट एज अ क्लास फुल कर रहा होता है बाय डिफॉल्ट। तो ऑटो समरी के थ्रू ये इस नेटवर्क को, क्लास ए के नेटवर्क को अपने RIP डेटाबेस में /8 के साथ ऐड करेगा, जिसे हम RIP डेटाबेस में देखेंगे। राउटर R1 और PC1 के दरमियान जो हमने नेटवर्क यूज किया है, वो क्लास सी का नेटवर्क है 192.168.5.0/25। इस नेटवर्क को हमने /25 के साथ यूज किया है और /25 के साथ हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि क्लास सी का बाय डिफॉल्ट CIDR नोटेशन /24 होती है। तो हम देखेंगे कि RIP वर्जन 2 के ऑटो समरी अनेबल होने की वजह से ये राउट RIP डेटाबेस में /24 के साथ ऐड होगा और राउटर R1 इसे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू जब एडवर्टाइज करेगा तो ये /24 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। अगर हम राउटर R2 की बात करें तो राउटर R2 पे हमने एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है जो कि क्लास B से बिलोंग करता है 172.16.1.0/24। अब ये नेटवर्क क्लास B का है लेकिन हमने इसे /24 के साथ कॉन्फ़िगर किया है और क्लास B का बाय डिफॉल्ट CIDR नोटेशन /16 होता है। तो हम देखेंगे कि RIP वर्जन 2 के ऑटो समराइजेशन की वजह से ये राउट RIP डेटाबेस में /16 के साथ ऐड होगा और राउटर R2 जब इसे फॉरवर्ड करेगा RIP प्रोटोकॉल की मदद से तो ये /16 के साथ ही फॉरवर्ड करेगा। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन R1 और R2 की आपस में कम्युनिकेशन इस लिंक पे हो रही है और इस लिंक पे हम डेटा को कैप्चर करेंगे और व्यू करेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या RIP वर्जन 2, इसमें जो हमारे पास मैसेजेस हैं उनमें हमारे पास सबसे पहला मैसेज है रिक्वेस्ट मैसेज और दूसरा मैसेज है रेस्पॉन्स मैसेजेस। इन दोनों मैसेजेस को हम कैप्चर करेंगे इस लिंक पे, दोनों राउटर्स के दरमियान जो लिंक है उस पे हम इन मैसेजेस को कैप्चर करेंगे। रिक्वेस्ट मैसेज जो है ये वन टाइम जनरेट होता है, जब हम नेटवर्क को ऐड करते हैं राउटिंग डेटाबेस में तब उस नेटवर्क पे एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होता है और RIP वर्जन 2 के केस में ये रिक्वेस्ट मैसेज जो है इसका डेस्टिनेशन एड्रेस मल्टीकास्ट एड्रेस होगा 224.0.0.9 जो कि रिजर्व है RIP वर्जन 2 के लिए। अगर हम रेस्पॉन्स मैसेजेस की बात करें तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रेस्पॉन्स मैसेजेस शेयर होंगे और इन रेस्पॉन्स मैसेजेस में राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब R1 192.168.5.0/24 के साथ ऑटो समरी राउट को एडवर्टाइज करेगा तो वो उन राउट्स को बेसिकली रेस्पॉन्स मैसेजेस में एडवर्टाइज करता है। अब इस रेस्पॉन्स मैसेजेस में इस राउट की डिटेल होगी और ये रिस्पॉन्स मैसेज जो है ये पीरियोडिकली शेयर होता है मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे और इस रिस्पॉन्स मैसेज को हम कैप्चर करेंगे R1 और R2 के दरमियान इस लिंक पे। इसी तरह R2 जो रिस्पॉन्स मैसेज पीरियोडिकली शेयर कर रहा होगा
मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे, उसे भी हम कैप्चर करेंगे R1 और R2 के दरमियान लिंक पे। इसी दौरान हम दो पैरामीटर्स और देखेंगे। हमारे पास अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के टाइमर्स की बात करें तो हमारे पास एक टाइमर है अपडेट टाइमर। तो इंफॉर्मेशन या रिस्पॉन्स मैसेजेस जो होते हैं ये अपडेट टाइमर की मदद से हर 30 सेकंड्स बाद दोबारा शेयर किए जा रहे होते हैं। तो हम देखेंगे कि अपडेट टाइमर की मदद से किस तरह ये रिस्पॉन्स मैसेजेस जो हैं ये पीरियोडिकली शेयर हो रहे होंगे। देन हम इनवैलिड टाइमर और फ्लश टाइमर का इंपैक्ट भी देखेंगे कि हम R1 पे इस राउट को 192.168.5.0 इस राउट को जब हम रिप डेटाबेस में से रिमूव कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये राउट R2 के पास कुछ देर तक रिसीव हो रहा होगा और जब तक के फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं हो जाता राउटर R2 इसे अपने रिप डेटाबेस में से डिलीट नहीं करेगा। फ्लश टाइमर के एक्सपायर होते ही राउटर R2 इसे अपने रिप डेटाबेस में से फ्लश आउट कर देगा। हमारे पास इस टोपोलॉजी में कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। PC1, PC2, R1 और R2 की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस लेवल की कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं और यह कॉन्फ़िगरेशन इन रेड बॉक्सेस में मेंशन्ड है। अगर हम रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 3 कमांडें हैं सिस्को राउटर के केस में। सबसे पहले हम राउटर रिप की कमांड एंटर करेंगे जिससे हम रिप अनेबल कर देंगे उस राउटर पे। देन हम उसे वर्जन मेंशन करेंगे कि ये राउटर कौन सा वर्जन यूज करेगा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। इस लैब में हम वर्जन 2 का केस यूज करेंगे सो हम कमांड यूज करेंगे वर्जन 2। देन हम नेटवर्क ऐड करेंगे उस राउटर पे, हम नेटवर्क्स को ऐड करेंगे जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डेटाबेस का पार्ट होंगे। अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास हमने इन्हें इन 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है और ये 4 स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम रिप को अनेबल करेंगे, सेकंड केस में हम वर्जन मेंशन करेंगे, थर्ड केस में हम वो नेटवर्क मेंशन करेंगे जिसमें हमने मैसेजेस को सेंड करना है। फॉर एग्जांपल R1 और R2 के दरमियान हमने मैसेजेस को एक्सचेंज करना है या राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है तो हम सबसे पहले ये नेटवर्क ऐड करेंगे 10.1.1.0/30। तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम ये नेटवर्क ऐड करते हैं एक रिक्वेस्ट मैसेज इस नेटवर्क पे जनरेट होगा। जब हम इस नेटवर्क को राउटर R1 के रिप डेटाबेस में एंटर करेंगे तो R1 रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा और जब हम इस नेटवर्क को R2 के रिप डेटाबेस में ऐड करेंगे तो R2 रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा और ये रिक्वेस्ट मैसेज 1 टाइम जनरेट होगा मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे। देन हम नेटवर्क ऐड करेंगे और इस टाइम हम वो नेटवर्क ऐड करेंगे जिसे हमने एडवर्टाइज करना है। R1 के केस में हम ये 192.168.5.0 का नेटवर्क ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि जब हम इस नेटवर्क को रिप डेटाबेस में एंटर करेंगे तो रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली मल्टीकास्ट एड्रेस पे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे जिसे हम कैप्चर कर रहे होंगे R1 और R2 के दरमियान इस लिंक पे। इसी तरह जब हम R2 पे इस नेटवर्क 172.16.1.0 को ऐड करेंगे तो R2 भी रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट करना शुरू कर देगा और ये रिस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली शेयर होंगे मल्टीकास्ट एड्रेस पे। तो अब हम लैब को परफॉर्म करते हैं। R1 और R2 के दरमियान ये जो लिंक है इस लिंक पे हम राइट क्लिक करके स्टार्ट कैप्चर कर देते हैं। तो हमारे पास एक न्यू वायरशार्क नेटवर्क एनालाइजर की ये ऐप ओपन हो जाएगी जिसमें राउटर R1 और R2 के दरमियान हमारे पास ये जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैप्चर होना स्टार्ट हो गई है। अब हम राउटर R1 इसकी कंसोल ओपन करेंगे ताकि हम इस पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। तो हमारे पास वायरशार्क ऐप जो है वो भी रन कर रही है और ये राउटर 1 की कंसोल हमारे पास ओपन हो चुकी है और हम डेटा को कैप्चर कर रहे हैं R1 और R2 के दरमियान लिंक पे।
तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप की कमांड एंटर करेंगे। तो हमने राउटर रिप की कमांड एंटर की और हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोटोकॉल में अभी तक कोई भी रिप मैसेजेस जो है, कोई भी रिप मैसेज या रिप का कोई भी डाटा जो है वो अभी तक कैप्चर नहीं हुआ। देन हम सेकंड स्टेप, हम वर्जन मेंशन करेंगे और हम वर्जन 2 मेंशन करेंगे क्योंकि हम रिप वर्जन 2 की लैप कर रहे हैं। तो जब हम वर्जन 2 मेंशन करके एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि अभी तक कोई राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का डाटा या मैसेज या कोई पैकेट कैप्चर नहीं हुआ। अब हमने राउटर R1 पे उस नेटवर्क को ऐड करना है जिस पे हमने राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है और वो है R1 और R2 के दरमियान ये लिंक जिस पे नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है 10.1.1.0/30। तो हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे, 10.1.1.0 नेटवर्क को हम राउटर R1 के रिप डेटाबेस में एंटर करेंगे और इसे एंटर करने के लिए हम ये नेटवर्क की कमांड यूज करेंगे, नेटवर्क और उसके बाद नेटवर्क एड्रेस जो कि है 10.1.1.0। तो हम राउटर R1 पे नेटवर्क की कमांड एंटर करते हैं, नेटवर्क 10.1.1.0 और हम देखेंगे कि जैसे ही हम ये नेटवर्क ऐड करेंगे राउटर R1 एक रिक्वेस्ट मैसेज को जनरेट करेगा। तो हम ये एंटर करते हैं तो आप ये देखें राउटर R1 ने रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया, 10.1.1.1 जो है ये राउटर R1 का सोर्स है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस ये मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे सेंड हुआ है, ये रिप वर्जन 2 है और ये एक रिक्वेस्ट मैसेज है। तो राउटर R1 बेसिकली नेटवर्क में, इस नेटवर्क को जो हमने ऐड किया है इस नेटवर्क में ये रिक्वेस्ट मैसेज भेज रहा है और ये बताना चाह रहा है कि इस नेटवर्क पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर रिप इंफॉर्मेशन कोई चल रही है तो वो काइंडली मुझे भेजी जाए। अब हम राउटर R1 पे इस नेटवर्क को ऐड करेंगे रिप डेटाबेस में जो बेसिकली हमने एडवर्टाइज करना है जो कि है 192.16.5.0। अब ये /25 का नेटवर्क है लेकिन रिप डेटाबेस में ऐड होने के बाद ऑटो समराइजेशन के थ्रू ये /24 का समरी राउट भी ऐड होगा और जैसे ही हम इसे R1 के रिप डेटाबेस में ऐड करेंगे हम देखेंगे कि पीरियोडिकली रिस्पॉन्स मैसेजेस R1 शेयर करना शुरू कर देगा मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे। तो हम नेटवर्क ऐड करने लगे हैं, नेटवर्क 192.168.5.0 और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे आप देखेंगे कि हमारे पास यहां प्रोटोकॉल में ये रिप रिस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट हुए हैं, ये रिप वर्जन 2 के हैं, सोर्स इनका 10.1.1.0 है और डेस्टिनेशन 224.0.0.9 जो कि एक मल्टीकास्ट एड्रेस है और हम देखेंगे कि ये पीरियोडिकली जनरेट हो रहे हैं। अभी देखेंगे हम कि फिर से एक ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के बाद रियल एनवायरनमेंट में ये 30 सेकंड 25 सेकंड से 35 सेकंड्स तक हो सकते हैं। अपडेट टाइमर 30 सेकंड्स का होता है, 30 सेकंड्स एक्सपायर होने के बाद ये एक रिस्पॉन्स मैसेज शेयर करता है। इस तरह अपडेट टाइमर के हर 30 सेकंड्स कंप्लीट होने पे एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट होता है। तो इस रिस्पॉन्स मैसेज में हम देख सकते हैं कि ये रिप वर्जन 2 है, सोर्स 10.1.1.1 है जो कि राउटर R1 है और डेस्टिनेशन एड्रेस 224.0.0.9 एक मल्टीकास्ट एड्रेस है। और अगर हम इस पैकेट पे अगर हम क्लिक करें, ये जो हमने कैप्चर किया है ये डाटा, तो हम देख सकते हैं इसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल है। तो अगर हम इस डिटेल को ओपन करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि ये राउट की इंफॉर्मेशन है 192.168.5.0 और इसका नेट मास्क। अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में हम देख पा रहे हैं कि सबनेट मास्क भी भेजा जा रहा है। नेक्स्ट हॉप 0.0.0.0 इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट हॉप यही राउटर जो भेज रहा है यही राउटर है। 0.0.0.0 का मतलब होता है कि मैं ही नेक्स्ट हॉप हूं। तो राउटर R1 चूंकि ये भेज रहा है तो R1 ही नेक्स्ट हॉप है और मैट्रिक वैल्यू 1 है।
हमारे पास ये पीरियोडिकली मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं। अगर हम राउटर R1 के राउटिंग टेबल को देखें तो इसमें हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का कोई भी राउट नहीं है, क्योंकि ये राउटर कोई भी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू मैसेजेस को रिसीव नहीं कर रहा और ना ही ये अपने पास अपडेट कर रहा है, क्योंकि इसके तरफ कोई भी रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट नहीं हो रहा, बल्कि राउटर R1 रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट कर रहा है जिसमें ये राउट की इंफॉर्मेशन है। अब अगर हम इसका राउटिंग टेबल देखें शो आईपी रिप डेटाबेस, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो हमने सबसे पहला नेटवर्क ऐड किया था 10.110/30 का, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और इसका एक, क्योंकि ये क्लास ए का था तो इसका एक ऑटो समरी राउट भी ऐड हो चुका है 10.0.0.0/8 के साथ। इसी तरह हमने जो दूसरा नेटवर्क ऐड किया 192.168.5.0/25 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका एक ऑटो समरी राउट, क्योंकि ये क्लास सी का था तो हम देखते हैं कि इसका एक ऑटो समरी राउट भी ऐड हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ऑटो समरी को सपोर्ट करता है। अगर क्लास ए का नेटवर्क होगा तो वो /8 के साथ ऑटो समरी राउट ऐड होगा, क्लास बी का होगा तो /16 के साथ, और अगर क्लास सी का होगा तो /24 के साथ ऐड होगा। और राउटर R1 जब इस इंफॉर्मेशन को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू भेजता है किसी को, रिस्पॉन्स मैसेज जब ये जनरेट करता है, तो उसमें इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑटो समरी राउट की होती है। ये देखें, इस ऑटो समरी राउट को ये भेज रहा है। अब राउटर R1, इसके पास एक और नेटवर्क ऐड है 10.1.1.0। अब राउटर R1 इस नेटवर्क को क्यों नहीं भेज रहा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू, क्योंकि ये नेटवर्क R1 और R2 दोनों के पास डायरेक्टली कनेक्टेड है, दोनों राउटर्स को इस राउट की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मालूम है, तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू इस इंफॉर्मेशन को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि R1 भी इस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, R2 भी इस नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब हम राउटर R2 को ओपन करेंगे, इसकी कंसोल, और R2 की हम देखेंगे कि R2 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डेटाबेस में अभी तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक राउटर R2 को रिप के लिए कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो हमने राउटर R2 को ओपन कर लिया है और हमारे पास वायरशार्क में राउटर R1 और R2 के दरमियान ये मैसेजेस जो हैं ये कैप्चर हो रहे हैं, और अभी तक हमारे पास सिर्फ रेस्पॉन्स मैसेजेस पीरियोडिकली जनरेट हो रहे हैं जो R1 शेयर कर रहा है मल्टीकास्ट एड्रेस पे, लेकिन ये मैसेजेस जो हैं ये R2 के पास पहुंच तो रहे हैं लेकिन R2 इन्हें प्रोसेस नहीं कर रहा बल्कि ड्रॉप कर रहा है। उसकी रीजन के R2 पे अभी तक रिप नहीं चल रहा, इसलिए राउटर के R2 के अगर हम शो आईपी रिप डेटाबेस को देखें तो ये अभी तक एम्प्टी है। तो राउटर R2 पे हम रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टेप वन, हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप की कमांड एंटर करेंगे। स्टेप टू, हम वर्जन मेंशन करेंगे। अब हम दोनों स्टेप्स कर चुके हैं, अभी तक हमारे पास राउटर R2 की तरफ से कोई भी मैसेज या पैकेट जनरेट नहीं हुआ। अब हम राउटर R2 पे ये नेटवर्क ऐड करेंगे 10.1.1.0, और हम जब ये नेटवर्क ऐड करेंगे तो राउटर R2 इस नेटवर्क की तरफ एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा, और ये बताना चाह रहा है कि रिक्वेस्ट मैसेज मैं जनरेट करता हूं कि अगर कोई राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्स भेजा जाए। तो जब भी हम एक नेटवर्क ऐड करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल डेटाबेस में तो उस नेटवर्क की तरफ एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होता है, और ये रिक्वेस्ट मैसेज मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे भेजा जाएगा। तो जैसे ही हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट होगा बल्कि R1 भी तो इस नेटवर्क की तरफ इंफॉर्मेशन भेज रहा है, रिस्पॉन्स मैसेज भेज रहा है, तो वो रिस्पॉन्स मैसेज जब R2 के पास पहुंचेंगे तो राउटर R2 उन रिस्पॉन्स मैसेजेस में जो राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल है उन्हें अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। तो हम नेटवर्क ऐड करते हैं, नेटवर्क 10.1.1.0।
अब जैसे ही हम इस नेटवर्क को ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हुआ है रिप वर्जन 2 का, 10.1.1.2 ने ये जनरेट किया है जो कि R2 है और ये 224.0.0.9 की तरफ जनरेट हुआ है और ये वन टाइम जनरेट हुआ है और ये मल्टीकास्ट एड्रेस की तरफ जनरेट हुआ है और ये R2 ने किया है। इसके अलावा हमारे पास रेस्पॉन्स मैसेजेस ही कैप्चर हो रहे हैं जो कि 10.1.1.1 भेज रहा है जो कि राउटर R1 है। अब ये रेस्पॉन्स मैसेजेस जो R1 भेज रहा है हर 30 सेकंड्स बाद, ये R2 को अब इस नेटवर्क पे, चूंकि हमने ये नेटवर्क ऐड कर दिया है तो इस नेटवर्क पे अब ये रिसीव होंगे। तो राउटर के रिप डेटाबेस को हम देखते हैं, शो IP रिप डेटाबेस, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क ऑटो समरी वाला ऐड हो रहा है जो कि राउटर R1 भेज रहा था। अब ये नेटवर्क राउटर R1 पे /25 के साथ कॉन्फ़िगर था, लेकिन राउटर R1 इसको ऑटो समरी के थ्रू भेज रहा है और नेक्स्ट हॉप क्या है 10.1.1.1 जो कि राउटर R1 है और मैट्रिक वैल्यू 1 है। इसी तरह राउटर R2 पे जो हमने 10 का नेटवर्क ऐड किया तो हम देखते हैं कि उसने अपने पास उसका एक समरी राउट भी ऐड कर लिया, ऑटो समरी राउट 10.0.0.0/8 के साथ भी ऐड कर लिया है। इस कमांड को हम दोबारा चलाते हैं, शो आईपी रिप डेटाबेस, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये राउट जो है ये लास्ट 19 सेकंड से मिल रहा है, 20 सेकंड 27 और देन फिर 01 हो गया है। तो ये टाइम जो है ये ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स, ये है अपडेट टाइमर के, हर 30 सेकंड्स बाद हमारे पास ये राउट रिफ्रेश होगा और हर 30 सेकंड्स में अगर रेस्पॉन्स मैसेज रिसीव ना हुआ तो ये इनवैलिड टाइमर रन होना शुरू हो जाएगा। ये अभी हमारे पास ये 30 सेकंड्स के लिए अगर रेस्पॉन्स मैसेज आएगा तो ये टाइमर रीसेट हो जाएगा और ये राउट अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह अपडेट टाइमर की मदद से ये राउटिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही होती है। हम दोबारा कमांड चलाते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास 6 सेकंड्स है। अब ये कमांड हम दोबारा चलाते हैं, 13 सेकंड्स, 14 सेकंड्स, 16 सेकंड्स, 18 सेकंड्स, 21 सेकंड्स, 23 सेकंड्स, 24 सेकंड्स, 26 सेकंड्स, 28 सेकंड्स, 29 सेकंड्स और 000 हो गया है। तो ऑलमोस्ट हर 30 सेकंड्स के बाद रिस्पॉन्स मैसेज जैसे ही रिसीव होता है ये राउट दोबारा से अपडेट होता है रिप डेटाबेस में और ये टाइमर अपडेट टाइमर रीसेट हो जाता है। और अगर हम अब हम इस राउटर के शो आईपी राउट में देखें तो हमारे पास ये राउट ऑटो समरी वाला राउट अपडेट हो चुका है और उसका AD वैल्यू 120, मैट्रिक वैल्यू 1 और राउटर R1 10.1.1.1 भेज रहा है। तो इस तरह राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर R1 ने जो रिस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहा है वो हमारे पास R2 पे रिसीव हो रहे हैं। अब हम राउटर R2 पे ये नेटवर्क ऐड करेंगे 172.16.1.0। इसे हमने एडवर्टाइज करना है थ्रू राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल टूवर्ड्स R1। तो जब हम इस नेटवर्क को ऐड करेंगे राउटर R2 के रिप डेटाबेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राउट जो है /24 का है, लेकिन क्लास B का ये राउट होने की वजह से ऑटो समरी राउट ऐड होगा रिप वर्जन 2 डेटाबेस में /16 के साथ और राउटर R2 ऑटो समरी राउट को बाय डिफॉल्ट सेंड करता है रिप वर्जन 2 में। तो ये /16 के साथ रेस्पॉन्स मैसेजेस जनरेट होना शुरू हो जाएंगे पीरियोडिकली जो कि R2 शेयर कर रहा होगा मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे, और वो मैसेजेस जब R1 को रिसीव होंगे तो R1 अपने पास इस राउट 172.16.1.0 इस राउट को बेसिकली /16 के साथ जो कि बनेगा 172.16.0.0/16 इसके साथ अपने पास राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। तो अब हम राउटर R2 में नेटवर्क ऐड करेंगे, हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे राउटर रिप में और यहां पे हम अब वो नेटवर्क ऐड करेंगे जो हम एडवर्टाइज करने जा रहे हैं 172.16.1.0। इस नेटवर्क को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो राउटर R2 भी रेस्पॉन्स मैसेजेस भेजना शुरू कर देगा। अब ये देखें राउटर R2 ने रेस्पॉन्स मैसेज जनरेट किया जो कि रिप वर्जन 2 है, 10.1.1.2 ने ये भेजा है और मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 की तरफ भेजा है। उसके बाद ये हमारे पास राउटर R1 का
और ये देन अगेन हमारे पास R2 ने ये रिस्पॉन्स मैसेज भेजा है। तो यूं R1 के रिस्पॉन्स मैसेजेस भी हम कैप्चर कर पा रहे हैं और R2 जो अब रिस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहा है वो भी हम कैप्चर कर पा रहे हैं। और इस R2 के ये जो हमारे पास ये डाटा कैप्चर हुआ है इसे अगर हम क्लिक करें तो इसके राउटिंग इंफॉर्मेशन में हम देख सकते हैं ये रिप वर्जन 2 है, ये रिस्पॉन्स मैसेज है और इसमें जो राउट की डिटेल है वो है 172.16.0.0 मैट्रिक वैल्यू 1 है। ये हमारे पास आईपी एड्रेस, हमारे पास नेट मास्क जो कि 225.255.255.0.0 जो कि /16 है। नेक्स्ट हॉप 0.0.0 का मतलब यह है कि ये चूंकि राउटर R2 भेज रहा है तो सेम राउटर ही नेक्स्ट हॉप है और मैट्रिक वैल्यू 1 है। तो इस तरह ये इंफॉर्मेशन जो है राउटर R2 भेज रहा है रिस्पॉन्स मैसेजेस में। और अगर हम राउटर R1 का रिस्पॉन्स मैसेज देखें तो उसमें डिटेल है 192.168.5.0 के नेटवर्क की, हमारे पास उसका आईपी एड्रेस, नेट मास्क, नेक्स्ट हॉप और मैट्रिक वैल्यू ये शेयर हो रही है रिप इंफॉर्मेशन में। तो अब हम अगर राउटर R1 पे शो आईपी रिप डेटाबेस करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें ये ऑटो समरी वाला राउट 172.16.0.0/16 के साथ अपडेट हो गया है। कौन भेज रहा है? नेक्स्ट हॉप है 10.1.1.2 जो कि R2 है और इसकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। और यहां पे भी हम देख सकते हैं कि ये टाइमर रन हो रहा है। अब अगर हम ये कमांड दोबारा चलाएं तो ये 23 सेकंड्स, 25 सेकंड्स, 26 सेकंड्स, 27 सेकंड्स और 00 हो गया है। तो ये हमारे पास हर 30 सेकंड्स के बाद ये अपडेट हो रहा होता है। जैसे ही रिस्पॉन्स मैसेज अगला आता है ये टाइमर रीसेट हो जाता है और ये राउट अपडेट हो जाता है। और ये राउट अब हमारे पास शो आईपी राउट अगर हम करें तो राउटिंग टेबल में भी अपडेट हो गया है। हमारे पास ये राउट /16 के साथ ऐड हो गया, एडी वैल्यू 120, मैट्रिक वैल्यू 1 और कौन भेज रहा है? नेक्स्ट हॉप है 10.1.1.2 और ये हमारे पास टाइमर। तो इस तरह अब R1 का राउट R2 को रिसीव हो रहा है, R2 का राउट R1 को रिसीव हो रहा है और ये राउटिंग की इंफॉर्मेशन बेसिकली रिप वर्जन 2 रिस्पॉन्स मैसेजेस में शेयर हो रही है जो कि पीरियोडिकली शेयर होते हैं मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 पे। अब हम राउटर R1 पे इस नेटवर्क को खत्म कर देंगे। 192.168.5.0 का ये जो नेटवर्क हमने राउटर R1 के रिप डेटाबेस में ऐड किया था इसे हम नेटवर्क में से निकाल देंगे और हम देखेंगे कि थोड़ी देर तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेजेस R1 जनरेट कर रहा होगा और R1 वो मैसेजेस रिस्पॉन्स मैसेजेस तब तक जनरेट करेगा जब तक के फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं हो जाता। तो जैसे ही फ्लश टाइमर एक्सपायर होगा राउटर R1 अपने रिप डेटाबेस में से उस राउट को डिलीट कर देगा और हमारे पास रिस्पॉन्स मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे। और जब रिस्पॉन्स मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे तो राउटर R1 के रिप डेटाबेस में से भी ये डिलीट हो जाएगा। तो हम इस चीज को पैकेट कैप्चर और राउटर R2 पे अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम राउटर R1 पे इस नेटवर्क को डिलीट करते हैं तो R2 पे ये राउट एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन पॉसिबली डाउन के साथ। और हम इसे पैकेट कैप्चर में देख रहे होंगे कि R1 रिस्पॉन्स मैसेजेस कुछ देर के लिए भेजता रहेगा। तो अभी तक हमारे पास राउटर R1 भी रिस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहा है और R2 भी रिस्पॉन्स मैसेजेस भेज रहा है। ये R2 का फिर से रिस्पॉन्स मैसेज आया और इसी तरह हमारे पास थोड़ी देर में R1 का भी रिस्पॉन्स मैसेज आएगा। तो अभी तक दोनों राउटर्स R1 और R2 रिस्पॉन्स मैसेजेस को पीरियोडिकली भेज रहे हैं। ये हमारे पास राउटर R1 का रिस्पॉन्स मैसेज आ गया। तो अब हम राउटर R1 पे जाएंगे, राउटर रिप, और यहां से उस नेटवर्क को डिलीट कर देंगे, नो नेटवर्क 192.168.5.0। इस नेटवर्क को हम डिलीट करने लगे हैं। तो हम एंटर करते हैं तो ये नेटवर्क डिलीट हो चुका है। अब हम राउटर R2 पे देखते हैं, शो आईपी रिप डेटाबेस। तो हमारे पास रिप डेटाबेस में ये नेटवर्क अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है और पॉसिबली डाउन का ऑप्शन आ रहा है। और अगर हम देखें तो अभी भी राउटर R1 इन रिस्पॉन्स मैसेजेस को भेज रहा है। ये R2 का रिस्पॉन्स मैसेज है, अभी हम वेट करेंगे तो R1 भी रिस्पॉन्स मैसेज को
भेज रहा होगा, जिस ये देखें ये R1 ने रिस्पॉन्स मैसेज भेजा जिसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन की डिटेल है, और ये R1 कुछ देर तक ये रिस्पॉन्स मैसेज भेजता रहेगा जब तक के फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं होता, और तब तक R2 के रिप डेटाबेस में ये एंट्री एग्जिस्ट करती रहेगी। देखें अभी भी एंट्री एग्जिस्ट करती है, तो राउटर R2 के रिप डेटाबेस में ये एंट्री एग्जिस्ट कर रही है अभी भी पॉसिबली डाउन के साथ, जब तक के फ्लश टाइमर एक्सपायर नहीं हो जाता और रिस्पॉन्स मैसेज राउटर R1 की तरफ से मिलना बंद नहीं हो जाता। तो अब हमारे पास ये एंट्री डिलीट हो चुकी है राउटिंग टेबल में से, और हम देख पा रहे हैं कि अब हमारे पास राउटर R1 की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मैसेज नहीं आ रहा। ये 10112 R2 है, R2 का रिस्पॉन्स मैसेज ही जा रहा है, राउटर R1 का अभी तक कोई रिस्पॉन्स मैसेज नहीं आ रहा। और अगर इस वाले मैसेज पे अगर हम क्लिक करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन 172.16 के नेटवर्क की है जो कि राउटर R2 भेज रहा है R1 को। तो इस तरह हमने देखा कि राउटर R1 पे इस नेटवर्क को डिलीट करने से राउटिंग टेबल में रिप डेटाबेस में वो एंट्री एग्जिस्ट करती रहती है एक खास टाइम तक, और जब वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो वो एंट्री डिलीट हो जाती है। अभी तक हमने देखा कि बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 में ऑटो समरी अनेबल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्लास फुल एक्ट कर रही थी, मींस ये क्लास बी का नेटवर्क /16 के साथ एडवर्टाइज हो रहा था और क्लास सी का नेटवर्क /24 के साथ एडवर्टाइज हो रहा था। तो अब हम इसमें ऑटो समरी को डिसेबल करेंगे, नो ऑटो समरी की कमांड से हम ऑटो समरी को डिसेबल करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो राउटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो अब क्लास लेस है, उसमें सबनेट मास्क की वैल्यू क्लास लेस होगी। हमारे पास ये राउटर R1 अब /25 के साथ ही नेटवर्क को एडवर्टाइज करेगा जो कि पहले /24 के साथ कर रहा है। इसी तरह R2 हमारे पास ये /16 के साथ एडवर्टाइज कर रहा था, लेकिन अब नो ऑटो समरी के बाद ये /24 के साथ ही एडवर्टाइज करेगा। तो दोनों राउटर्स पे हम 1x1 नो ऑटो समरी अनेबल करते हैं। तो ये हमारे पास राउटर R1 की कंसोल है, इसमें हम नो और ऑटो समरी इस कमांड को एंटर कर देंगे, तो हमारे पास ऑटो समरी बेसिकली डिसेबल हो चुकी है। इसी तरह हम राउटर R2, इसकी भी हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप और यहां हम नो ऑटो समरी एंटर कर देते हैं, तो हमने ऑटो समरी राउटर R2 पे भी डिसेबल कर दी है। तो अब हमारे पास जो मैसेजेस होंगे उन मैसेजेस में राउट्स की क्लासलेस की डिटेल होगी। अब हमारे पास जो मैसेजेस हैं उनमें हमारे पास क्लासलेस की डिटेल होगी। तो ये राउटर R1 का जो मैसेज है इस पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखें अब हमारे पास ये रिस्पॉन्स मैसेज है रिप वर्जन 2 है, तो देखें आईपी एड्रेस 5.0 और नेट मास्क 255.255.255.128, तो ये /25 के साथ अब एडवर्टाइज हो रहा है। इसी तरह राउटर R2 जो रिस्पॉन्स मैसेज भेज रहा है अगर हम उस पर क्लिक करें तो 172.16.1.0, पहले ये राउट 172.16.0.0 और सबनेट मास्क /16 के साथ था, लेकिन अब ये /24 के साथ एडवर्टाइज हो रहा है। तो इस तरह हमने देखा कि नो ऑटो समरी की कमांड एंटर करने से अब ये दोनों राउटर अपने अपने मुतलका राउट्स को एडवर्टाइज कर रहे हैं। राउटर R1 /25 के साथ ही राउट को एडवर्टाइज कर रहा है और राउटर R2 /24 के साथ ही इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 ऑटो समरी अनेबल होती है, और ऑटो समरी अनेबल होने का मतलब यह है कि रिप के केस में ये एज ए क्लास फुल एक्ट कर रहा होता है। क्लास ए का नेटवर्क /8 के साथ एडवर्टाइज होता है, क्लास बी का नेटवर्क /16 के साथ एडवर्टाइज होता है और क्लास सी का नेटवर्क /24 के साथ एडवर्टाइज होता है। लेकिन अगर हम ये नो ऑटो समरी की कमांड से ऑटो समरी को डिसेबल कर दें तो मुतलका राउट्स एडवर्टाइज होते हैं। अगर वो /25 का है तो /25 के साथ ही एडवर्टाइज होगा, /24 का है तो /24 के साथ ही एडवर्टाइज होगा। इस तरह जो भी हमने राउट कॉन्फ़िगर किया होगा, चाहे वो /29 के साथ हो, /30 के साथ हो या /27, 8 किसी भी सी आई डी आर नोटेशन में है हो, वो अपनी मुतलका सी आई डी आर नोटेशन में ही वो राउट फॉरवर्ड होता है अगर हम ऑटो समरी को डिसेबल करते हैं।